तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर OTG कनेक्ट कर रहे हैं और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब OTG केबल हो गया या जो भी है, OTG वाला कनेक्शन आप करना चाहते हैं और हो नहीं रहा, तो उसके लिए एक सेटिंग है। क्या सेटिंग रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गाइस, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको OTG कनेक्शन का। आप इसको इनेबल करोगे तभी आपका फोन OTG कनेक्ट होगा, और अगर गाइस आप इसको ऑफ करके कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको OTG कनेक्शन आपके फोन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको OTG डिवाइस कनेक्ट करना है, कोई भी पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है, कोई भी बायोमेट्रिक मशीन कनेक्ट करना है, तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से इनेबल करोगे, और जैसे ही आप इनेबल करोगे उसके बाद अपने फोन के अंदर आप OTG कनेक्शन ले सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।